mama, kallu mama. Goli maar bheje. You are required to ensure the security of this country. आज हम वीरों के वीर हिंदुस्तान के सबसे महान सैनिक भारतीय सेना के सबसे लोकप्रिय जनरल की कहानी सुनाते हैं। कहानी सैम बहादुर यानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। It means that you should have to fight and fight to win. There is no room for the loser. वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व था और सैनिकों में सबसे ऊपर माने जाने वाला व्यक्तित्व। ऐसे लीडर थे जो बड़ा बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं, हमेशा उनकी गाड़ी पे 5 स्टार रहते हैं। इफ यू लूज डोंट कम बैक, यू विल डिसग्रेस द कंट्री, द कंट्री वोंट एक्सेप्ट यू। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत आर्मी चीफ, जिनके आगे प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती थी, जिन्होंने पाकिस्तान को इतनी करारी शिकस्त दी थी कि 1.5 दशक तक वो चूं भी नहीं कर पाया था, जनरल सैम मानेकशॉ जैसा सेना प्रमुख हिंदुस्तान तो क्या दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलता। ये तस्वीर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की सबसे बड़ी उपलब्धि है, भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीत, जिसका जितना श्रेय सैनिकों की बहादुरी को जाता है, उतना ही सेना के इस जनरल की रणनीति को, जिसने 13 दिन के भीतर पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। जिस तरह से नाम कमाया वो एक मिसाल बन के रह गया। ये बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है कि जिनको सैनिक पूरा आदर दे। 1914 में एक पारसी परिवार में जन्मे सैम मानेकशॉ का सेना में भर्ती होने का कोई इरादा नहीं था। उनके पिता डॉक्टर थे और वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन 15 साल की उम्र में इंग्लैंड भेजे जाने की उनकी जिद पिता ने नहीं मानी। तब उन्होंने पिता से बगावत करते हुए सेना की भर्ती परीक्षा दे दी। सबसे पहला जेंटलमैन कैडेट यानी कि जीसी, जिसने की छुट्टी मांगी एकेडमी से बाहर जाने की, वो सैम मानेकशॉ ही थे। और थोड़ी भूल होने की वजह से, जैसा कि सेना का नियम है, थोड़ी हल्की फुल्की सजा दी जाती है जिसको एक्स्ट्रा डिल कहते हैं, तो भारतीय सेना के इतिहास में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सबसे पहले एक्स्ट्रा डिल पाने वाले वो भी सैम मानेकशॉ ही थे। फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज होता चला गया। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। उस दौरान भारत के जवान अंग्रेजों की सेना के लिए लड़ा करते थे। सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन थे। वो बर्मा में जापानियों के खिलाफ अपने जवानों को लीड कर रहे थे। बेहद बहादुरी से जापानियों को हराते हुए उनके पेट में गोलियों की बर्स्ट लग गई। उनके गुर्दे, उनके पेट में गोलियां लगी, 7 गोलियां लगी, और तकरीबन उनकी हालत थी कि जैसे कि वो शायद जीवित ना बचे। ब्रिटिश डिविजनल कमांडर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि युद्ध भूमि में ही अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उन्हें सम्मानित कर दिया। दरअसल उस वक्त सबको यकीन था कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद सैम जिंदा नहीं बच पाएंगे।
उस जमाने में ये ऐसी बहादुरी दिखाना और एकदम वो तगमा लगा देना ये अमूमन नहीं होता था। तब सैम मानेकशॉ के बड़ी ने उनकी मृत्यु स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो उन्हें सर्जन के पास ले गए, पर तब तक 36 घंटे बीत चुके थे। उनकी हालत देख कोई इलाज करने को भी तैयार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है बहादुर लड़के? मैंने कहा, मुझे एक खच्चर ने लात मारी है। So he said, oh, you got a sense of humor. Worth saving. सैम मानेकशॉ का असली नाम साइरस था, पर उन्हीं दिनों इसी नाम के एक पारसी को किसी जुर्म में जेल की सजा हो गई थी। सैम मानेकशॉ की आंटी को लगा कि उनके लिए ये नाम अशुभ होगा, सो उन्होंने उनका नाम बदल कर सैम रख दिया। लेकिन सैम मानेकशॉ से सैम बहादुर कैसे हुए, ये किस्सा भी दिलचस्प है। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, सैम मानेकशॉ गुरखा रेजिमेंट में शामिल हुए और वहीं उन्हें उनका नया नाम मिला। I met a Gurkha sentry. I looked at him and I said, asked him, "Tera naam kya hai?" And he said, "Harka Bahadur Guru." Then I looked at him, "Mera naam kya hai?" And he thought and thought and he said, "Sam Bahadur." Became Sam Bahadur. आजादी से पहले तक सैम मानेकशॉ और यहाया खान एक साथ पोस्टेड थे। दोनों में मित्रता भी थी। उस दौरान सैम के पास एक बेहतरीन लाल रंग की जेम्स मोटरसाइकिल थी, जो यहाया खान को बहुत पसंद थी। उन्होंने सैम मानेकशॉ से 1,000 रुपए में बाइक का सौदा कर लिया। जब 1971 का युद्ध हुआ, तब यहाया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और सैम मानेकशॉ भारत के आर्मी चीफ। जीत के बाद मानेकशॉ ने चुटकी लेते हुए कहा कि यहाया ने कभी उनके 1,000 रुपए नहीं भिजवाए, पर इसके बदले अपना आधा मुल्क दे दिया। सैम मानेकशॉ की हाजिर जवाबी मशहूर थी, पर उतना ही मशहूर था उनका मुंह फट होना, जिसकी वजह से अमूमन वरिष्ठों और राजनेताओं से उनकी बनती नहीं थी, पर सरदार पटेल उन पर खूब भरोसा करते थे। आजादी के बाद राज्यरोहण की अधिकतर जिम्मेदारियों में सरदार पटेल मानेकशॉ को अपने साथ रखते। लेकिन सरदार पटेल के अलावा बाकी राजनेताओं से उनकी खास पटती नहीं थी। 1961 में कृष्णा मेनन ने उन पर यह कहते हुए इंक्वायरी बिठा दी कि उनकी कार्यशैली पर अंग्रेजों का प्रभाव दिखता है। इस बीच 1962 का युद्ध भी शुरू हो गया। शुरुआत से ही चीन हावी रहा। हर मोर्चे पर हार का मुंह देखते हुए बार बार रणनीति बदली जा रही थी। स्थिति बद से बदतर हो रही थी। आखिर में सैम मानेकशॉ को बुलावा भेजना पड़ा। हालांकि जब तक उनकी तैनाती के आदेश आए, बहुत देर हो चुकी थी। पर सैम मानेकशॉ पर लगाए गए अजीबोगरीब इल्जाम जरूर हटा लिए गए। 62 की हार का पूर्ण जनरल मानेकशॉ एक बार फिर अपने पूरे रंग में थे। 65 की जीत में उनकी बड़ी भूमिका थी। फिर तो सेना का सबसे सीनियर कमांडर होने के नाते जून 1969 में उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख बना दिया गया। ऐसी अवस्था में बड़ा जरूरी था कि सेना को पूरी तरह से तैयार किया जाए, ट्रेनिंग से, हौसले से, तौर तरीकों से। उनके आर्मी चीफ बने मुश्किल से एक साल बीता था, जब पूर्वी सरहद पर ईस्ट पाकिस्तान का मसला नियंत्रण से बाहर होने लगा था। पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान वहां की जनता बड़ी तादाद में भारत पलायन कर रही थी। इंदिरा गांधी ने कई पहलुओं पर विचार कर जनरल सैम मानेकशॉ को अपने पास बुलाया। चले जाओ, कैसे चले जाओ? कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ अभी।
वो सैम मानेकशॉ ही थे जो इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री के फैसले को नहीं मानने की जुर्रत कर रहे थे। पर वो जानते थे कि अधूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरकर शर्मिंदगी झेलने से बेहतर है इंदिरा का गुस्सा झेल। सैम मानेकशॉ अपने सैनिकों को बहुत अच्छे तरह से जानते थे। वो परिस्थितियों से भी बखूबी वाकिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि हड़बड़ी में जंग लड़के 1962 जैसी स्थिति खड़ी की जाए, लेकिन सबसे बढ़कर ये बात थी कि वो सच्चाई पर अडिग रहना जानते थे। सैम मानेकशॉ ने हंसी हंसी में कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, देख लिए कुछ चीजें तो कॉमन है, आपकी भी नाक लंबी है, मेरी भी नाक लंबी है। ऐसे व्यक्तित्व के लोग जो है आसानी से किसी के सामने झुकते नहीं है। इंदिरा से चर्चा के करीब 7 महीने बाद दिसंबर में जनरल मानेकशॉ ने युद्ध के लिए हामी भरी। उनके धैर्य का असर रणभूमि में दिखा। जनरल मानेकशॉ जानते थे कि अगर मुकाबले के लिए छोड़ दिया जाए तो युद्ध महीनों चल सकता है, पर अगर भारत के हित में निर्णय चाहिए तो पाकिस्तान से सरेंडर कराना होगा और इसके लिए युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना जरूरी है। उन्होंने तो युद्ध शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान से आत्मसमर्पण करवाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। वैसा ही हुआ जिसकी योजना जनरल सैम मानेकशॉ ने बनाई थी। जब पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया तब वो सैनिकों की संख्या से लेकर असलहे में भारत से ज्यादा मजबूत था, पर दिमागी लड़ाई में उसे मात मिल गई। सबसे बड़ी तो बात ये थी, अब जो कि बहुत जरूरी है, पूरी तरह से तैयारी, हर तरह से, और सिर्फ सेना की ही नहीं, क्योंकि वो प्रमुख थे स्टाफ कमेटी के, तो उन्होंने वायुसेना और नौसेना उनको भी जो धन राशि सरकार की तरफ से उन्हें मिली उसमें से उसका काफ़ी बड़ा भाग नौसेना को दिया और वायुसेना का दिया और उनको कहा कि आप भी अपनी तैयारी पूरी तरह से करें। पाकिस्तान के सरेंडर के साथ उसके 93,000 सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण किया था। इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को रखना भी एक प्रशासनिक चुनौती थी। 1971 की जीत के बाद जनरल सैम मानेकशॉ देश के हीरो थे। अगले ही साल उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। में जब उनके रिटायरमेंट का वक्त आया तो उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, पर सैम मानेकशॉ ने कहा कि वो पद पर बने नहीं रहना चाहते। वो जब रिटायर हुए तो उनको 1200 रुपए पेंशन दी गई, 1200, और 400 रुपए अलाउंस दिए गए। जब वो मरने वाले थे, अपने डेथ बेड पर थे उधर कुनूर वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो यहाँ से डिफेंस सेक्रेटरी गए एक चेक लेकर, 1 करोड़ चेक, बैलेंस ऑफ पेमेंट, 1972 से लेके 2008 तक। और शेखर दत्त थे डिफेंस सेक्रेटरी, तो उन्होंने वो चेक को देखा तो उन्होंने कहा ये कहीं बाउंस तो नहीं हो जाएगा, मतलब मैं बैंक में डालूंगा तो वो उसको डिसऑनर तो नहीं कर देंगे, मजाक किया। तमाम फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर यानी देश के राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें आदेश दिया गया और उन्हें यह आदेश मानना ही पड़ा। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने सक्रिय सेवा से संन्यास ले लिया, पर चूंकि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते तो आजीवन देश के सर्वोच्च सैन्य पद पर बने रहे। लेकिन हर कोई शक्ति के आगे नतमस्तक नहीं होता। बढ़ती ताकत को कई लोग संदेह से भी देखते हैं। सैम मानेकशॉ जैसे शक्तिशाली जनरल के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन राजनीतिक गलियारों की कानाफूसी सुनकर इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलावा भेजा। I walked in my breezy way. I said, "Hello, Prime." मैं अंदर गया, मैंने कहा, "Hello, PM." क्या हुआ? वो बोली, सब कहते हैं तुम तख्ता पलट कर सकते हो। मैंने कहा, आपको क्या लगता है?
वो बोली तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या मैं इतना निकम्मा हूँ? वो बोली तुम नहीं करोगे सैम। मैं बोला मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। I'm getting involved in politics or taking over as long as I command my army without interference. पता नहीं उस रोज इंदिरा गांधी को सैम मानेकशॉ की बातों पर भरोसा हुआ या नहीं, लेकिन भारतीय सेना के संस्कार में केवल देश का हित है, सत्ता की भूख नहीं। और जनरल मानेकशॉ तो सेना के सर्वोच्च संस्कारों के झंडा बरदार थे। जनरल सैम मानेकशॉ कभी शब्दों को तोल मोल कर बात नहीं करते थे। एक दफा एक पत्रकार को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि बंटवारे के वक्त उन्हें पाकिस्तान को चुनने के लिए कहा गया था, पर उन्होंने भारत को चुना। पत्रकार ने पूछा क्या होता अगर आप पाकिस्तान को चुनते? उन्होंने कहा तब 1971 का युद्ध पाकिस्तान जीत जाता। उस समय कांग्रेस भी उनके साथ नाराज हो गई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी किसी जर्नलिस्ट को कि पार्टीशन के टाइम अगर मैं पाकिस्तान चला जाता, क्योंकि वो पारसी थे, उस समय इन लोगों को ऑप्शन मिला हुआ था, तो उन्होंने कह दिया किसी जर्नलिस्ट को कि अगर 47 साल में मैं पाकिस्तान चला जाता तो हिंदुस्तान को ये जीत नहीं मिलती। अब उन्होंने अपनी तरफ से एक मजाक के तौर से बोला, लेकिन हिंदुस्तान में और हमारी लीडरशिप ने उसको उस नजरिया से नहीं लिया। राजनीतिक हलकों में इस बयान से इतना तूफान मचा कि मानेकशॉ हमेशा के लिए पराए कर दिए गए। फील्ड मार्शल होने के नाते उनका रैंक छीनना तो मुमकिन नहीं था, पर उनकी तनख्वाह को बेहद कम रखा गया। एंटाइटलमेंट के तौर पर न तो उन्हें कार दी गई, न घर, न ही स्टाफ। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तब जाकर उन्होंने पुरानी गलती को ठीक किया और देश के सबसे रोबीले जनरल को उनका हक दिलवाया। सत्ताईस जून 2008 को 94 साल की उम्र में सैम मानेकशॉ का निधन हो गया, पर न तो उनके अंतिम संस्कार में किसी सेना चीफ की मौजूदगी थी, न प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां पहुंचे, न राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, न रक्षा मंत्री एके एंटनी। हाँ, उसी साल 16 दिसंबर को जब 71 के युद्ध की सालगिरह मनाई गई तब उनके सम्मान में एक सांकेतिक डाक टिकट जरूर जारी कर दिया गया। जनरल सैम मानेकशॉ बेबाक थे पर बेपरवाह नहीं थे। हाँ, उन्हें परवाह थी तो केवल अपने देश की, अपने सैनिकों की।